लेकिन गाइस आप स्काई में देखना रियलमी एक्स टू काफी बढ़िया परफॉर्म कर रहा है, ऐसा फंबल कर रहा है कभी एकदम। Hey guys, this is Abhishek here and you are watching Technis. Guys, आप सबको ये कन्फ्यूजन कभी ना कभी तो जरूर आया होगा कि क्या होगा अगर एक 48MP कैमरा विथ OIS और यहाँ पर एक और कैमरा है हमारे पास जो है 64MP कैमरा विदाउट OIS, आप कह सकते हो विथ EIS इलेक्ट्रॉनिक इमेज स्टेबिलाईजेशन, तो इनमें से जो है वीडियो क्वालिटी कौन बेहतर प्रोड्यूस कर सकता है इन नाइट टाइम। डे टाइम में अगर आप स्टेबल रखते हो तो OIS का वहाँ पर बिल्कुल भी यूज नहीं होने वाला, लेकिन क्या होगा अगर वहाँ पर लाइट बहुत कम है तो क्या सेंसर में OIS होने का फायदा आपको मिलता है? जी हाँ मिलता है। क्यों मिलता है, कैसे मिलता है, ये काफी डेप्थ है, लेकिन अगर सिंपल से आपको बताऊं तो आपके सेंसर को है ना वो स्टेबल रखता है, ठीक है। अगर ये ऐसा ऐसा हिलेगा तो आप सोचो कि लाइट ये थोड़ा कम कैप्चर करेगा ऑब्वियसली, लेकिन अगर मैं इसे OIS से स्टेबल करता हूँ जैसे कि गिम्बल्स में होता है तो वहां पर क्या होगा कि लाइट को सेंसर ज्यादा ले पाए, मतलब सेंसर में ज्यादा लाइट आ पाएगा, जिससे क्या होगा कि आपकी वीडियोस में काफी लाइट रहेंगी। लेकिन ये जो चीजें हैं ये मिड रेंज और फ्लैगशिप किलर स्मार्टफोन्स में ज्यादा नहीं होता है, पर OIS का इम्प्लीमेंटेशन मेजॉरिटी टाइम्स में स्मार्टफोन्स के फोटोज में होता है ना कि वीडियोस में। मेरे पास जो डिवाइस है अभी वो है iQOO 7 Legend और वहां पर भी आपको OIS देखने के लिए मिलता है और काफी बढ़िया मिलता है, ठीक है, बहुत स्टेबल वीडियोस रिकॉर्ड करता है, लेकिन क्या रात में भी वो स्टेबल के साथ क्या वो उतने अच्छे से लाइट को मेंटेन करवा पाएगा? और यहाँ पर मेरे पास है रियलमी एक्स टू और ये मेरे पास काफी ज्यादा टाइम से है, इसके काफी सारे कंपैरिजन ऑलरेडी मैंने कर रखे हैं। अगर आप ये स्मार्टफोन से आए हो यहाँ पर तो मैं चाहूंगा कि आप वहां पर जाइए, इसके वीडियोस कंपैरिजन देखिए और प्लीज मुझे कॉमेंट सेक्शन में बताइए कि क्या आपको फ्यूचर में वीडियोस इसके चाहिए या नहीं। और गाइस अगर आप नया, मैं चाहता हूँ कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बिलीव मी यहाँ पर आपको काफी इंफॉर्मेटिव क्यूरियस वीडियोस देखने के लिए मिलने वाले हैं और क्या पता नेक्स्ट वीडियो आपके लिए बनाओ। सो गाइस वीडियो को प्ले करते हैं जो मैंने एडिटर के यहाँ पर डाला हूँ और लिटरली आप भी इंजॉय करो, ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। देखो गाइस तो पहला वीडियो है यहाँ पर और वीडियोस में गाइस काफी डिफरेंस यहाँ पर पहले नजर में दिख गया मुझे। X2 का काफी नॉइस क्लियरेंस काफी ज्यादा, लेकिन गाइस आप स्काई में देखना वहां पर काफी दूर देखो वहां पर काफी बढ़िया यहाँ पर आपको एक्सपोजर मिलता है। इवन आप यहाँ पर देखो गाइस काफी बढ़िया बिल्डिंग है, कलर एक्विजिशन पे अगर हम फोकस नहीं करते ना गाइस तो लिटरली कह रहा हूँ रियलमी X2 काफी बढ़िया परफॉर्म कर रहा है। और ये EIS में भी स्टेबिलाईजेशन आप इसकी देख सकते हो काफी बढ़िया है, विद OIS के होकर भी यहाँ पर आप देख सकते हो काफी नॉइजी भी है और वो ब्राइट तो है भी नहीं गाइस X2 के कंपेरिजन बिल्कुल नहीं है लग रहा है मुझे। और गाइस आप यहां पर भी देख सकते हो काफी ठीक ठाक है, जो कलर एक्यूरेसी है 7 Legend में और अच्छी हो सकती थी एज अ फ्लैगशिप, बट स्टिल काफी बढ़िया है। यहां पर आप देख सकते हो रियलमी थोड़ा सा फंबल कर रहा है, कभी एकदम येलो जा रहा है कभी एकदम व्हाइट जा रहा है, लेकिन फिर भी गाइस अगर आपके पास एक बेटर लाइट है, मतलब मैं तो एकदम हार्श कंडीशन में जा रहा हूं यहां पर, अगर आप काफी बढ़िया कंडीशन में करते हो रिकॉर्डिंग तो बिलीव मी रियलमी X2 आपको काफी बढ़िया परफॉर्मेंस देने वाला है। यहां पर भी आप देख सकते हो 2x जूम के बाद भी X2 ने काफी बढ़िया डिटेल होल्ड किया है। और यहां पर कार देख सकते हो गाइस आप, वो क्रॉस करेगा अभी, ओके ओके देन ग्रेट ओके, तो आप देखा कि दोनों में ही काफी बढ़िया है जो आउटपुट है, मुझे दोनों में ही काफी ठीक लगा। तो ये है फ्रंट कैमरा और iQOO 7 Legend का जो छोटा सेंसर है वो काफी बड़ा है, यहाँ पर उसका रिजल्ट आपको इसलिए देखने को अच्छा मिल रहा है क्योंकि काफी ज्यादा लाइट वहां पर खींच रही है, लेकिन रियलमी X2 भी ज्यादा पीछे नहीं है इससे, ठीक है, दोनों ही सेंसर्स काफी बढ़िया है। तो एक ऑब्वियसली iQOO 7 Legend का जो फ्रंट सेंसर है वो काफी बढ़िया है, तो यहाँ पर आप देख सकते हो फोटोज में भी गाइस काफी बढ़िया IMX गाइस लिटरली यहाँ पर छा गया विद OIS और आप देख ही सकते हो OIS का फायदा आपको यहाँ पर देखने के लिए मिला है। रियलमी X2 के बहुत नॉइजी फोटोज है, एकदम डल से दिख रहे हैं, ठीक है, कलर तो एकदम भगवान जाने उसके कलर्स, लेकिन फिर भी गाइस रियलमी X2 काफी लेकिन ठीक ठाक परफॉर्म कर रहा है, एक्सपोजर यहाँ पर iQOO से अच्छा मेंटेन कर रहा है वो। फ्रंट कैमरा आप देख सकते हो काफी बढ़िया है दोनों स्मार्टफोन्स में, X2 गॉड ये मैं क्या ही बताऊं गाइस, iQOO 7 Legend गाइस Vivo के स्मार्टफोन्स का फॉलो अप करता है और नाइट में इससे भंगा लुक को देता है गाइस, आपको ऐसा मक्खन लगा था ना आपके फेस पे, क्या ही बताऊं। आप बताना कि क्या आप iQOO 7 Legend या फिर किसी भी Vivo स्मार्टफोन के ये जो नाइट फिल्टर है इनका, ये गाइस कुछ भी करो बंद करो नहीं बंद होता है, ऐसा क्यों करते हैं लोग पता नहीं। सो गाइस जैसा कि आप सबने देखा कि जो डिफरेंस था वो काफ़ी ज़्यादा था यहाँ पर, जो ऑप्टिमाइजेशन का खेला है वो काफ़ी मतलब खेला गया है दोनों ही डिवाइसेस में, और लिटरली कह रहा हूँ कि OIS का इम्प्लीमेंटेशन iQOO 7 Legend में काफ़ी बढ़िया नहीं किया गया है, क्योंकि और अच्छा किया जा सकता था, अगर करते हैं तो काफ़ी बढ़िया हुआ। वैसे ये एक गेमिंग स्मार्टफोन है लेकिन OIS अगर दिया गया है तो प्लीज़ उसे अच्छे से इम्प्लीमेंट करो, उसे अच्छे से ऑप्टिमाइज़ करो, तो अगर ये कुछ करते हैं तो iQOO वाले लिटरली बहुत बढ़िया गेम खेल सकते हैं। और iQOO 7 Legend का एक चीज़ और है यहाँ पर काफ़ी बढ़िया लगता है मुझे, दिन में
काफी बढ़िया वीडियो रिकॉर्ड करता है, बिलीव मी बहुत शार्प वीडियो आते हैं, लेकिन गाइस नाइट टाइम पर उसका बिल्कुल भी कैमरा काम नहीं करता है। सो गाइस आखिर डिफरेंस आया कहाँ से, लाइक कैसे डिफरेंस आ गया, OIS क्यों काम नहीं कर पाया यहाँ पर? सिंपल सा बात है गाइस, जो आईक्यू 7 लेजेंड का सेंसर है वो छोटा है कंपेयर टू रियलमी X2 GW1 और 64 MP का। वहाँ पर उसको एक एडवांटेज भी मिल रहा है कि उसके सेंसर ज़्यादा बड़े हैं तो लाइट को ज़्यादा खींच पाता है अपनी साइड, ठीक है। तो यहाँ पर जो एक्सपोजर है, जो लाइटिंग है, जो वीडियो की ब्राइटनेस है वो ओवरऑल काफ़ी ज़्यादा होती है कंपेयर टू शॉर्ट लेंस, जैसे कि आपका IMX 598 या फिर 486 हो गया जो कि काफ़ी पहले लॉन्च हुए थे। तो जो सैमसंग का GW1 है यहाँ पर इसीलिए काफ़ी बढ़िया परफॉर्म करता है। सो गाइस आपको कैसा लगा ये डिफरेंस जानकर? क्या आपने कभी सोचा था कि ऐसा डिफरेंस हो भी सकता है? और अगर नहीं सोचा रहेगा तो मैं हूं ना। सो गाइस दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आई होगी और आपको ऐसे ही वीडियोस और फ्यूचर में चाहिए तो नीचे कॉमेंट सेक्शन में आ जाओ, आपके क्यूरियस डाउट्स नीचे कॉमेंट सेक्शन में लिखो और बिलीव मी आई विल बी द फर्स्ट पर्सन टू आंसर योर क्वेश्चन, ठीक है। लेकिन उसके लिए आपका रिस्पॉन्स मुझे चाहिए। सो दिस वॉज अभिषेक हियर एंड यू आर वॉचिंग टेक्नीज Shining off.